सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई मुस्तफ़ा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि अगर आपके पास इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप चाहते हैं इसका पिन बनाना, तो चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्ले स्टोर पर और एक ऐप डाउनलोड करते हैं, इंडस मोबाइल। ये इंडसइंड बैंक का ऑफिशियल ऐप है, तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं इंडस मोबाइल, ये वाला ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं जिसको ओपन करूँगा इसकी रेटिंग 4.4 है एंड 1 मिलियन डाउनलोड्स है। तो चलिए इस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। फ्रेंड्स, अगर आप इस ऐप को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी कार्ड डिटेल डाल के इसको रजिस्टर कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी इसमें रजिस्टर किया हुआ है, तो मैं इसको जस्ट लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपको इसमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये मैंने फिंगरप्रिंट इनेबल कर रखा है, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ फिंगरप्रिंट से। तो ये देखिए इसका होम पेज आ गया, सबसे नीचे आपको शो हो रहा होगा सर्विस रिक्वेस्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे कार्ड रिलेटेड रिक्वेस्ट, तो ये ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट है, तो हमें नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है यहाँ से। तो इसके बाद हमें क्लिक करना है सेट पिन पे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कुछ बेसिक सी डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपको कार्ड के बैक साइड CVV नंबर होता है 3 डिजिट का, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। देन इसके बाद आपको नीचे कार्ड की एक्सपायरी डालनी है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक में रजिस्टर्ड हो, जो भी आपने एज पर डॉक्यूमेंट दिया हो, तो वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको 4 डिजिट का पिन बनाना है, जो भी आपको इजी रहे याद रखने में। तो यहाँ से आप 4 डिजिट का कोई भी पिन बना लीजिए, तो मैं यहाँ से एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सेम पिन नीचे री एंटर करना है, तो यहाँ पे री एंटर कर लीजिए सेम पिन जो आपने ऊपर बनाया। देन इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, ये लॉगिन दोबारा मांग रहा है। तो इसके बाद आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे OTP एंटर करेंगे, जो आपने पिन बनाया था 4 डिजिट का, वो आपका बन जाएगा। तो ये देखिए OTP मेरे को आ गया है, और मैं नीचे से यहाँ से सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो जो भी मेरा 4 डिजिट का पिन था बन जाएगा। ये देखिए सक्सेसफुली मेरा 4G का पिन बन गया है। इसके बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास न्यू कार्ड भी आता है तो सेम इसी तरीके से आप न्यू पिन भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये ट्रिक आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसे आप अपने अदर फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं, जिनके पास भी इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड हो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे रेड कलर का बटन है, इसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।